इंजेक्टर बैगलिक टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो इंजेक्टर बैगलिक टेस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले जो ये लॉक है ये हटानी होगी, उसके बाद ये जो रिटर्न पाइप है ये हमें जो है अच्छे से रिमूव कर लेना है। ये स्क्रू ड्राइवर या इसकी मदद से हमें जो है इस पाइप रिटर्न पाइप को हमें रिमूव कर लेना है। तो सारे रिटर्न पाइप निकलने के बाद इस लॉक को हमें ऐसे सारे इंजेक्टर में बैठा लेनी है, एक्स वाई जेड जितने भी इंजेक्टर हैं, चार हैं या छः हैं, सब में लॉक बैठाने के बाद लीक अप टेस्टिंग का जो SMT है उसे हमें कुछ इस तरीके के फिट कर लेना है छहियों इंजेक्टर में। ये छः पाइप होंगे और छः बॉक्स होंगे, तो ये कुछ इस तरीके के जो हैं फिट हो जाएंगे। तब उसके बाद हमें क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये हमारे जो हैं अच्छे से फिट हो गए हैं। अभी क्या करना है, गाड़ी को हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद देखेंगे हमारा, देखा डीजल, देखो कुछ इस तरीके के आना स्टार्ट हो गया है हमारा। धीरे धीरे डीजल जो है इस तरीके के आना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग के समय हमें याद रखना है इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो हमें चालू कर लेना है, और इसका जो RPM रहेगा समथिंग 2200 के आसपास रहेगा। इसका जो रनिंग टाइम रहेगा 2 मिनट 30 सेकंड का रहेगा, यानी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का जो है टाइमर हमें सेट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा इंजेक्टर की टोटल फ्यूल कितना आया, 140 ml के नीचे अगर फ्यूल है तो हमारा इंजेक्टर सही है, अगर 140 ml के ऊपर फ्यूल है तो हमारा इंजेक्टर जो है ख़राब है। अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।